थाना साजागंज क्षेत्र में एक बार फिर बदमाशों ने एटीएम तोड़कर कैश लूटने का प्रयास किया। हालांकि अपराधी अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। मौके पर साजागंज पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। थाना साजागंज के केदारनगर में सोनू कुमार की दुकान में इंडिया एक कंपनी का एटीएम लगा हुआ है। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एटीएम में घुसकर उसे पत्थरों से तोड़ने का प्रयास किया। एटीएम मशीन क्षतिग्रस्त हो गई पर बदमाश कैश बॉक्स तक नहीं पहुंच सके। सुबह दुकान स्वामी का परिवार घर से बाहर निकला तो एटीएम में तोड़फोड़ हुई देखी। उनके द्वारा जानकारी मिलने पर थाना साजागंज प्रभारी मैकफोर्स के मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। तत्काल कंपनी की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। थाना प्रभारी जसवीर सिरोह के अनुसार प्रारंभिक जांच में किसी शराबी किस्म के व्यक्ति द्वारा पत्थर मार कर एटीएम क्षतिग्रस्त किया गया है। एटीएम का कैश सुरक्षित है। आरोपी की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।